अड़तालीस लाख 21 हजार करोड़ का बजट इस बार केंद्र सरकार ने पेश किया, और इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार और आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपया की राशि जो है उसकी नई राजधानी अमरावती को बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मदद के रूप में दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय, आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा चर्चा जो है वो बिहार के लिए हो रहा है, क्योंकि बिहार को 60 हजार करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा मदद किया गया है अलग अलग कार्यों के लिए, जिसमें एक्सप्रेसवे, हाईवे, पावर प्लांट, टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट, गया में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का निर्माण, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है केंद्र सरकार ने दिया है। अब कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के दबाव में केंद्र सरकार ने ये काम किया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को केंद्र सरकार ने झुंझुना थमा दिया है। अब इस झुंझुना और दबाव के बीच में सच्चाई क्या है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा जो है बिहार को दिया गया है 11,500 करोड़ रुपया। अब इससे जो है वो कुछ नदियों को जोड़ा जाएगा शायद से, और कुछ नदियों पे काम होगा, नेपाल से बातचीत किया जाएगा और बाढ़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। अब पूरे बिहार में अगर बाढ़ को कंट्रोल करना है तो कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब 1,00,000 करोड़ रुपया का 11.5 यानी 11.5% जो है केंद्र सरकार ने इस बार दिया है। आगे अब कितना देगा कितना नहीं उसके बारे में जो है बाद में चर्चा करेंगे। 26,000 करोड़ रुपया जिसका सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो केंद्र सरकार ने हाईवे निर्माण, एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए दिया है, मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के लिए दिया है। अब ये 26,000 करोड़ रुपया में होगा क्या? पटना से पूर्णिया तक का एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, बक्सर से भागलपुर तक का एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, और सड़क जो हाईवे है नेशनल हाईवे उसमें बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को कनेक्टिविटी मिलेगा, इजिली कनेक्टिविटी मिलेगा। अब क्या 26,000 करोड़ रुपया से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाएगा इन दोनों का? बिल्कुल नहीं, 26,000 करोड़ रुपया से इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं होगा। लेकिन एक फंड जो है इस बजट में अलॉट कर दिया गया ताकि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। उसके बाद से भागलपुर के पीरपैती में 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट का निर्माण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 21,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, उससे होने वाला है। अब जो पीरपैती में पावर प्लांट का निर्माण होगा उससे किसको फायदा होगा? उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके अलावा जो है दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा, जैसे वहां से बंगाल में भी सप्लाई जा सकता है, झारखंड में भी जा सकता है, नेपाल में भी जा सकता है या बांग्लादेश में भी जा सकता है। लेकिन वो पावर प्लांट से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बिहार को होगा। साथ ही साथ केंद्रीय करों में बिहार को जो है 1,22,000 करोड़ रुपया जो है वो मिलेगा, जो 14 किस्तों में मिलेगा। वो केंद्रीय कर जो है हर साल मिलता है, जैसे जीएसटी का पैसा जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और भी बहुत सारी चीजों का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, तो उसमें राज्य की हिस्सेदारी होती है, तो राज्य सरकार को वो पैसा दिया जाता है। तो 60,000 करोड़ रुपया जो बजट में अलॉट किया गया है बिहार के लिए, उसके अलावा केंद्रीय करों में 1,22,000 करोड़ रुपया जो बिहार का हिस्सा है वो मिलेगा। पिछले बार 1,13,000 करोड़ रुपया मिला था, यानी पिछले बार से ज्यादा मिलेगा, और इस बार जो मिलेगा 1,22,000 करोड़ रुपया वो 14 किस्तों में मिलेगा, यानी उस पैसे से जो है बिहार में जो है बहुत सारा काम होने वाला है। उसके बाद से केंद्रीय प्रायोजित योजना, ये तो केंद्रीय कर में बिहार की हिस्सेदारी 1,22,000 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार का अपना हिस्सा होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही केंद्रीय प्रायोजित योजना मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंट जो योजना चलाई जा रही है उसमें भी 1,22,000 करोड़ रुपया, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कर के रूप में जो 14 किस्त में मिलेगा वो 1,22,000 करोड़ रुपया, और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भी 1,22,000 करोड़ रुपया
मिलेगा बिहार को, जो पिछले साल 1,16,000 करोड़ रुपया मिला था। अब केंद्र सरकार की जो भी योजना है उसमें जो है केंद्र सरकार का जो भी खर्च होता है स्टाफ को सैलरी देने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए निर्माण के लिए, वो इसको केंद्रीय प्रायोजित योजना कहते हैं। बिहार के बजट में केंद्र प्रायोजित योजना एक होता है, केंद्र का योजना टोटल केंद्र के ही पैसे से होता है, एक होता है बिहार सरकार का योजना पूरा बिहार सरकार के ही पैसे से होता है, और एक होता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिक्स योजना, जिसमें जो है बिहार सरकार का कुछ हिस्सा होता है कुछ केंद्र सरकार का होता है। तो बिहार सरकार के बजट में केंद्र प्रायोजित योजना में बिहार सरकार को इस साल 45,000 करोड़ रुपया मिलेगा। पिछले साल बिहार सरकार के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना में 44,000 करोड़ रुपया मिला था, यानी पिछले साल 1,000 करोड़ रुपया कम मिला था, आवंटित किया गया था, जिसमें आधा पैसा ही मिल पाया था। यानी बिहार सरकार को जो अपना काम करना था 44,000 करोड़ रुपया में केंद्र सरकार से पैसा लेके, वो बिहार सरकार ने अपना काम नहीं किया तो केंद्र सरकार ने आधा ही पैसा दिया, आधा ही पैसा। उसके अलावा जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए जो है अलग फंड का व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। अंतरिम बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया था सरकार के द्वारा, वो 47,65,768 करोड़ रुपया का था, जो चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था, लेकिन इस बार जो है बजट जो पेश किया गया है वो 48,21,000 करोड़ रुपया का है, जिसमें से भारत सरकार का रेवेन्यू जो है वो 38,40,000 करोड़ रुपया के आसपास का है, और राजकीय घाटा जो है वो 16,13,000 करोड़ रुपया के आसपास का होने वाला है। और इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बिहार पे हो रहा है। बिहार में बाढ़ के ऊपर जो है वो सवाल होना चाहिए कि बाढ़ से कैसे बिहार को निजात मिले, और उसके लिए मैंने केंद्र सरकार के उस समय के जल शक्ति मंत्री को मैंने पत्र लिखा था, और उसके अलावा जो है बाढ़ पे मैंने अनेकों वीडियो बनाया कि बाढ़ पे काम होना चाहिए, बाढ़ पे काम होना चाहिए, बाढ़ पे काम होना चाहिए। हालांकि बाढ़ के लिए जो 11,500 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है बिहार के लिए, वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन एक अच्छा पहल यह है कि शुरुआत तो हुआ, 11,500 करोड़ रुपया के साथ शुरुआत तो हुआ, अब इस पैसे से जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जरूरत है। अब और पैसा चाहिए तो उसमें बिहार सरकार भी मिला है, अगले बजट में इंतजार करें, बिहार सरकार अगले बजट में भी दबाव डाले और केंद्र सरकार अगले बजट में भी बाढ़ के लिए कुछ पैसा दे, क्योंकि जब रिवर लिंक प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो एक साल में वो काम कंप्लीट होने वाला नहीं है, वो काम जो है वो 3 साल 4 साल 5 साल उसमें समय लगेगा, 10 साल का भी समय लग सकता है, कुछ काम जो है 75% कंप्लीट हो जाएगा, 25% अटका रहेगा, तो वो धीरे धीरे हर साल जो है वो बजट में जो है वो प्रावधान कराना पड़ेगा, राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा और उसके लिए पैसा लेना पड़ेगा, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी उसमें पैसा डालना पड़ेगा। तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भागलपुर के पीरपैंती में जो पावर प्लांट के लिए उन्होंने राशि आवंटित किया, इससे बिहार के युवाओं को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, आसपास के क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ बिहार की जो बिजली की समस्या है, जो गांवों में वर्तमान समय में बिजली की समस्या है, वो समस्या का समाधान होगा। उसके अलावा जो एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा भागलपुर से पूर्णिया, यानी बिहार के पूर्वी साइड से, पूर्वी साइड के बॉर्डर से लेके एकदम पश्चिमी साइड के बॉर्डर तक, एकदम इधर उत्तर प्रदेश से बंगाल को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और पूरे बिहार को कनेक्टिविटी मिलेगी, इजिली कनेक्टिविटी हो जाएगा बक्सर से अगर भागलपुर तक का एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो। उसके अलावा जो है पटना से पूर्णिया तक के बीच में एक्सप्रेसवे का अगर निर्माण होगा तो राजधानी जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा बिहार के पश्चिमी भाग से, सीमा जो बंगाल से लगा हुआ भाग है उससे। उसके अलावा जो है आसाम भी जाना आसान हो जाएगा, कोलकाता भी जाना आसान हो जाएगा, तो ये 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है इस जो 26,000 करोड़ रुपया मिला है। उसके अलावा जो है बोधगया, राजगीर, दरभंगा और वैशाली, इसको जो है कनेक्टिविटी मिलेगी, इजिली कनेक्टिविटी मिलेगी,
इसके बीच में जो सड़कें हैं उस सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, सही ढंग से निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ एक एक्सप्रेस वे पे ऑलरेडी काम चल रहा है जो गोरखपुर से जो उत्तरी भाग जो है बिहार का, तो उत्तरी भाग जैसे चंपारण जिला है, उसके बाद सीतामढ़ी होते हुए जो है सीधे जो है नॉर्थ ईस्ट आसाम को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेस वे पे केंद्र सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है। इन सब चीजों के बीच में जो है स्वास्थ्य मतलब कि हॉस्पिटल खोलने के लिए भी केंद्र सरकार ने जो है वो 26,000 करोड़ रुपए में जो है राशि आवंटित किया है। उसके अलावा एयरपोर्ट का निर्माण के लिए भी। तो अब एयरपोर्ट के निर्माण में मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है रक्सौल एयरपोर्ट। अगर रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो पटना के बाद सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट रक्सौल होगा। आज ही नेपाल में फिर से एक प्लेन हादसा हुआ है। नेपाल के लोग या नेपाल में रहने वाले भारत के लोग मजबूरी में वो खतरनाक हवाई सफर करते हैं। अगर रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा तो नेपाल के लोगों को अगर वहां से भारत के किसी भी कोने में जाना होगा तो वो रक्सौल एयरपोर्ट को प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिसका जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है और पूरे बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 10% से ज्यादा क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का एरिया हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी चंपारण भी बिहार के टॉप 5 जिलों में से एक है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। जमीन ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार के पास है, टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे बनाने की जरूरत है और यहाँ पे एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज दरभंगा में जो है एम्स का जो है जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। दरभंगा में एम्स का अगर निर्माण हो जाएगा तो जो है सीमांचल के क्षेत्र और मिथिला की राजधानी दरभंगा को मानी जाती है और मिथिला क्षेत्र में जो है गरीबी जो है एक अपने आप में चरम सीमा पे है। वहां से सबसे ज्यादा मजदूर जो है दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं। तो दरभंगा एम्स का निर्माण होगा तो वहां के गरीब लोगों को फायदा होगा। 11,500 करोड़ रुपया जो आवंटित किया गया है बाढ़ के लिए, उसमें जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है और शुरुआत करने की जरूरत है। और साथ ही साथ 11,500 करोड़ रुपया बिहार सरकार भी उसमें डाले तो जाके 23,000 करोड़ रुपया होगा। और गंडक, बागमती और कोसी, ये तीन नदी को प्राइमरी, पहले तीन नदी को, ये तीन नदी के वजह से ही सबसे ज्यादा बाढ़ आता है उत्तर बिहार में। और लगभग उत्तर बिहार का 90% से ज्यादा कृषि योग्य भूमि जो है वो बाढ़ से जो है वो वहां का फसल बर्बाद हो जाता है और बाढ़ से जो है कृषि योग्य भूमि जो है प्रभावित हो जाता है। तो गंडक, बागमती और कोसी ये तीनों नदी को जो है एक दूसरे से लिंक करके और इन तीनों नदी का पानी जो है वो सासाराम, गया, रोहतास, उसके बाद से नवादा, इन क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा ड्राई साइड है तो सूखा रह जाते हैं। और बाढ़ पे मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि मैं अक्सर देखता हूं कि कोई भी आवाज नहीं उठाता है। क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं? बाढ़ पे क्यों नहीं बात करते हैं? रिवर लिंक प्रोजेक्ट पे आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? लोगों का इसके प्रति जो है मतलब कि मैं देखता हूं मीडिया सेक्टर के लोगों का ये सोचते हैं कि व्यू कम जाएगा। कभी कभी हमें जो है व्यू के बारे में नहीं सोच के अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। और राज्य के बारे में जब हम सोचेंगे तो प्राइमरी तीन चीज पे सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान जाएगा, एक बाढ़, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। और इन तीनों चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जो 11,500 करोड़ रुपया आया है हम लोग बिहार सरकार पे भी दबाव डालें कि 11,500 करोड़ रुपया बिहार सरकार भी डाले और 23,000 करोड़ रुपया से जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट को चालू करें। बाकी बजट में बिहार का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। हालांकि बिहार को जितनी राशि चाहिए थी उतनी राशि नहीं मिली है, लेकिन हमें यह भी उम्मीद नहीं था कि 60,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार देगा। तो जितना दिया है उसके लिए जो है केंद्र सरकार को एकदम से तहे दिल से धन्यवाद। स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। बस अब केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बाढ़ पे थोड़ा सा काम किया जाए, रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए, दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था बिहार में जो लचर हो गया उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाए। बाकी इस बजट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार को जो 60,000 करोड़ रुपया मिला है
उसके बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ केंद्रीय करों में जो है बिहार की जो हिस्सेदारी हुई है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।